दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी 10th मैथ सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 1.2 के दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 1.2 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या बोला इसने, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब जो आपको संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अब इसके बाद बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के हमें HCF और LCM ज्ञात करके बताना है कि इनके LCM और HCF क्या है। तो इसको हम समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें सॉल्व करना है और फिर इसके HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इन जो तीनों संख्याएं आपको दिख रही हैं, 12, 15 और 21, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यदि लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 12, 15 व 21 के अभाज्य गुणन खंड, अभाज्य गुणन खंड। तो हम 12 के अभाज्य गुणन खंड करेंगे। तो हमें पता है 12 को अभाज्य गुणन खंड अगर करें तो 2 छींग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, और हमने देखा कि 2 2 और ये 3, तीनों संख्याएं अभाज्य हैं। तो क्या 12 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 3, या फिर मैं इसको 2 2 की, 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 × 2, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हुए। इसी प्रकार हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम यहाँ पर करके देख लेंगे। तो ये 15, तो हम देखेंगे 3 5 15 और 5 एकम 5, तो आया हमारा 5 और 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और 5। इसके बाद हम 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 3 7 21, 7 एकम 7, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं हमारे 3 और 7। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, 15 के अभाज्य गुणन निकाल लिए और 21 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। इसके बाद हम इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे LCM निकाल लेंगे, LCM। तो दोस्तों, हमें पता है LCM निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी संख्या अधिकतम कितनी बार आ रही है। तो अगर हम इन तीनों में देखें तो 2 अधिकतम कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हमने लिख दिया ये 2 की पावर 2 इंटू 3 अधिकतम कितनी बार आ रहा है, 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार और इसमें भी 1 बार, तो हमने 3 को 1 ही बार लिखा। अब इसमें 3 खत्म है, इसके बाद कोई अलग नंबर है क्या आपके पास? अलग नंबर है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं अलग संख्या 5 है हमारे पास, तो हमें यहाँ पर 5 को लिखना पड़ेगा। और हम यहाँ पर देख रहे हैं और एक अलग संख्या 7 भी है हमारे पास, तो हमें यहाँ 7 को भी लिखना पड़ेगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा LCM। इसके बाद HCF निकालते हैं हम दोस्तों, HCF। तो दोस्तों, हमें पता है HCF की शर्त होती है, HCF वही संख्या होती है जो तीनों को विभाजित करे। क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो तीनों में आ रहा हो? तो हाँ, 2 तो तीनों में आ नहीं रहा। क्या 3 तीनों में आ रहा है? बिल्कुल, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी। क्या 5 तीनों में है? नहीं है। क्या 7 तीनों में है? नहीं है। तीनों में केवल एक ही संख्या है जो है 3। तो 3 तीनों में ही, तीनों में नंबर में आ रहा है, तो हमारा जो HCF होगा इसका वो आएगा 3। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हम करेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29, जिसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखते हैं, अगर हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें पता है 17 तो खुद अभाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड कहाँ से आएंगे? तो ये भाग नहीं जाएगा, तो ये 17 से ही भाग जाएगा और 17 एकम 17। अगर हम 23 के गुणनखंड करें तो 23 भी एक अभाज्य गुणनखंड है, तो 23 एकम 23। इसी प्रकार 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 एकम 29। इनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 17 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो आएगा 1 और 17, 1 गुणित 17, 17 एकम 17। 23 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 1 गुणित 23 ही आएगा, और 29 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 1 गुणित 29 ही आएगा, क्योंकि इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता। इसके बाद हम निकालेंगे इसका एलसीएम। अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 1 तीनों में आ रहा है, तो 1 अधिकतम 1 कितनी बार है? 1 ही बार है। इसके बाद 17 क्या तीनों में आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 17 अधिकतम कितनी बार है? 1 ही बार, तो ये 17। इसके बाद कोई अलग संख्या है? तो हाँ है, 23, और 23 अधिकतम कितनी बार आ रहा है? 1 ही बार, तो इंटू कर दिया मैंने 23। इसके बाद कौन सी संख्या आ रही है? 29, और 29 को देखेंगे अधिकतम कितनी बार है, तो 1 ही बार है, तो लिख दिया हमने ये 29। ये इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम निकालेंगे HCF। अगर HCF की बात करें तो हमें पता है HCF वह संख्या होती है जो तीनों में आए। क्या इसमें हम देख रहे हैं कि 17 तीनों में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या 23 तीनों में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या 29 तीनों में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हमारा 17, 23 और 29 HCF नहीं होगा। क्या 1 तीनों में आ रहा है? हाँ, 1 तीनों में आ रहा है, तो हमारा HCF होगा 1। तो या फिर हम दोस्तों ऐसा भी कहते हैं, अगर हमारा कोई HCF नहीं निकलता तो HCF होता है 1। तो यहां से हमारा निकला HCF 1। तो इस प्रकार से हमने ये दूसरा क्वेश्चन किया। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, आप करेंगे घर पर सॉल्व, और यदि नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि सर ये तीसरा क्वेश्चन हमसे नहीं बना। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं, इसके बाद हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो हमसे कहता है HCF 306 और 657 का 9 दिया है। क्या बोला उसने? HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 का अपन को ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया है कि HCF हम आपको देते हैं और LCM हम आपसे पूछते हैं, मतलब HCF दिया है, LCM निकालो। तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि हमें इसने दो संख्या देकर रखी है और हमें पता है कि जो दो संख्याएं होती हैं उन दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले क्या सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्व दिया है संख्याएं 306 व 657 है। आपको पहले ही दिया है कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो आपको संख्याएं दी हैं 306 और 657 तथा आपको जो HCF है वह भी दिया है। HCF कितना दिया है? 9, और LCM उसने आपसे पूछा है। कुछ नहीं, आपको आसानी से आ जाएगा। आपको हमें इधर लिख देना है केवल हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, तो वही हम यहां पर लिख देंगे। तो हम लिख देंगे LCM गुणित HCF बराबर
दो संख्याओं का गुणनफल। अब एलसीएम हमें पता है, नहीं है तो एलसीएम हमें ज्यों का त्यों लिख देना, एलसीएफ हमें पता है 9 है तो इनटू लगा दिया 9 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। हमें पता है दो संख्या, एक 306 है और दूसरी है 657, ये हमने लिख दिया। इसके बाद दोस्तों हमें पता है हमें एलसीएम का मान निकालना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? एलसीएम। तो ये 9 है ना, यह इसके बटे में चला जाएगा। जब ये इसके बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर 306 × 657 बटे 9। इन दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो आ जाता है 2010.42। इसको आप गुणा करके देख लेना, बटे 9। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बचा 21 हो गया। अब दो बार फिर से जाएगा, 9 दूनी 18, इसके बाद 3 बचा 30 हो गया, तो 9 तिया 27, 3 बचा तो 34 हो गया, 9 तिया 27, 9 चौके 36 होता है, 3 बार जाएगा, 9 तिया 27, इसके बाद 7 बचा तो ये 72 हो गया, तो 9 8 72। तो यहां से जो एलसीएम निकल रहा है इसका दोस्तों, एलसीएम वो निकल रहा है 22 22 3 3 8, ये इसका एलसीएम आ गया। तो इस प्रकार से देखते हैं, एक बार और समझ लेते हैं इसको हमने कैसे किया। हमारा क्वेश्चन था एलसीएफ 306 और 657 का 9 है। उसने बोला था कि जो एलसीएफ है 306 और 657 का वो 9 देते हैं हम आपको, और हम आपसे पूछते हैं कि इसका एलसीएम क्या है। तो आपको संख्याएं तो यहाँ स्पष्ट हो गई, तो हमने लिया लिख लिया दिया है संख्याएं 306 और 657 है। इसके बाद हमने लिख दिया एलसीएफ कितना है 9, तो ये लिख लिया। एलसीएम हमें ज्ञात करना है तो हमने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। अब इसके बाद हमने लिखा कि हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। चाहे इसको इस तरफ लिख दो, चाहे इसको इस तरफ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम का मान नहीं दिया था, नहीं रखा। एलसीएफ का मान हमें 9 दिया था, हमने रख दिया। इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याएं आपको दी हैं उनका मैंने गुणनफल कर दिया। अब इसके बाद मुझे एलसीएम का मान निकालना था, 9 को बटे में भेजा, इसके बाद इन दोनों का गुणा किया, ये आया, बटे में 9 चली रहा है, 9 से इसको काटा तो हमारा आ गया 22 33 8, जो हमारा होगा एलसीएम। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, छठवां क्वेश्चन है हमारा। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? तो दोस्तों यहाँ पर ये भाज्य संख्या क्यों है इसका कारण हम आपको बता देते हैं। भाज्य संख्या की एक शर्त होती है, भाज्य संख्या की एक शर्त होती है कि भाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होते हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2 5 3 5 ये अभाज्य, 7 अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ये जो ऊपर दो दी गई संख्याएं हैं वो भाज्य है। क्यों है भाज? फिर से एक बार बता रहा हूं, क्यों है भाज? क्योंकि इसके जो गुणनखंड हैं वो अभाज्य हैं। जब गुणनखंड अभाज्य हैं तो वो संख्या भाज्य होगी, क्योंकि भाज्य संख्या के ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य। तो ये भाज्य संख्या की शर्त कहती है कि भाज्य संख्याओं के गुणनखंड अभाज्य संख्या होते हैं। इसलिए उपयुक्त, इसलिए यहां लिख देंगे हम, इसलिए ऊपर दी गई संख्या भाज्य, ये हमारा आंसर हुआ। आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम 7वां क्वेश्चन, और
सातवां क्वेश्चन हमसे कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। एक उसने बोला है कि एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को इस मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय पश्चात वो आपस में मिलेंगे। उसने ये बोला है कि मान लेते हैं, ये इसने कहा कि ये एक खेल का मैदान है जो वृत्ताकार है। उसने कहा है कि इस मैदान का जो चक्कर लगाने में जो सानिया है उसको लगते हैं 18 मिनट। क्या बोला उसने? इस मैदान का चक्कर लगाने में सानिया को लगते हैं 18 मिनट, और इसके बाद जो रवि है उस रवि को इस मैदान का चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट। मतलब रवि तेज दौड़ता है और सानिया कम दौड़ती है। उसने कहा है यदि ये दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में अगर दौड़ते हैं तो वह कितने समय पश्चात आपस में मिल जाएंगे। तो मान लेते हैं वह स्थान ये है, वह स्थान इस स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में, मतलब दोनों मान लेते हैं इसी तरफ चल रहे हैं, तो ये कितने समय पश्चात आपस में मिलेंगे, तो उसको हम आंसर के द्वारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम सॉल्व। सानिया को एक चक्कर में लगा समय कितना है? 18 मिनट। रवि को एक चक्कर में लगा समय दोस्तों कितना आ रहा है? 12 मिनट। कुछ नहीं करना, आपको यह निकालना है कि ये कितने समय पश्चात मिलेंगे, तो इन दोनों का आप एलसीएम निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे मिलने कितने समय पश्चात मिलेंगे। अगर यह समय निकालना है तो कुछ नहीं करना, हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो यहां पर हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम देखेंगे, दो से काटेंगे, दो नाम 18, दो छिंग 12, फिर दो से जा नहीं रहा जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, दो तिया 6। इसके बाद ये तीन से कट जाएगा, तीन तरका 9, 3 एकम 3। अब यहाँ 3 एकम 3, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 2 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। ये हमारा हो गया आंसर। ये दोनों 36 मिनट बाद आपस में मिल जाएंगे, ये लिख दिया हमने मिनट। ये दोनों 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। कुछ नहीं करना, आपको बस क्वेश्चन को समझना है। आंसर तो हमारा एक लाइन का है, ये तो हमने क्वेश्चन का ही लिखा, बस ये लिखा हमने ये तो क्वेश्चन का ही लिखा। सानिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट था, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय था 12 मिनट। इसके बाद हमने दोनों का एलसीएम निकाल दिया और जो दोनों का एलसीएम आया है वही हमारा आंसर है। तो कितने समय पश्चात मिलेंगे? वह 36 मिनट। तो इसके साथ दोस्तों हमने 1.2 एक्सरसाइज खत्म की है। अगली वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो अगली वीडियो को देखना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों एक बात और, यदि वीडियो में कोई मिस्टेक है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।